आज मैं लाया हूँ तीन ऐसा टॉपिक जिसे आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि डेली लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहाँ हम इन टॉपिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को समझें। लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, ऐसो साइक्रो टॉपिक्स जानने के लिए आप मेरे ऐप को इंस्टॉल करें, जहाँ आपको मिलेगा एक कम्प्लीट लर्निंग। सबसे पहला टॉपिक है एज श्योर एज, यानी जब तक कि। जैसे कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां आप कहते हैं, जब तक आप यहां हैं आपको काम करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, as sure as you are here, you will have to work। यानी जब तक आप यहां पर हैं आपको काम करना पड़ेगा। जब तक आप एक रिक्शा का इंतजार करेंगे आप स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, as sure as you wait for a rickshaw, you will reach the station। यानी जब तक आप एक रिक्शा का इंतजार करेंगे आप स्टेशन पहुंच जाएंगे। जब तक आप यह दवा खाएंगे आप ठीक रहेंगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, as sure as you take this medicine, you will be fit। यानी जब तक आप ये दवा खाएंगे आप फिट रहेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। Into the bargain का मतलब होता है मुफ्त में। यानी अगर आपको कहना हो कि मैंने एक मोबाइल खरीदा और मुफ्त में एक चार्जर पाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, I bought a mobile and got a charger into the bargain। यानी मैंने एक मोबाइल खरीदा और मुफ्त में एक चार्जर पाया। वह एक क्रीम खरीदी और मुफ्त में शैम्पू पाई। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, She bought a cream and got shampoo into the bargain। मैंने एक बाइक खरीदा और इंश्योरेंस फ्री में पाया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, I bought a bike and got insurance into the bargain। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आप कहते हैं मुफ्त में तो आप कहेंगे into the bargain। आइए फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक देखते हैं। On the brink of, यानी केक कगार पर या केक किनारे पर। आप इस टॉपिक के जगह पर ऑन द वर्ज ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी चाहे आप कहें ऑन द वर्ज ऑफ या ऑन द ब्रिंक ऑफ, दोनों का मतलब होता है केक कगार पर या केक किनारे पर। जैसे, मेरा गांव तबाह होने के कगार पर है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, माई विलेज इज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, या माई विलेज इज ऑन द वर्ज ऑफ डिजास्टर। यानी मेरा गांव बर्बाद होने के कगार पर है, मेरा बिजनेस बर्बाद होने के कगार पर है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, My business is on the brink of loss। अगर मैं चाहूँ तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता हूँ, My business is on the verge of loss। यानी मेरा बिजनेस नुकसान के कगार पर है या घाटा होने के कगार पर है, वह मरने के कगार पर है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, He is on the verge of death। यानी वह मौत के कगार पर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह सभी टॉपिक्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।